बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और शराब के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को और सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद में जुटी हुई है। अब देखिए कि आज किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो सदन के पोटिको में आकर के लगातार हंगामा कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो भी गरीब और जो भी पीड़ित परिजन हैं जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिजन को 4 लाख रुपए का जो सरकारी मुआवजा है वह दिया जाए। हालांकि इन सबके बीच जो सत्ता पक्ष है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पीड़ित परिवार को उनके परिजनों को मुआवजा देने का कहीं से भी प्रावधान नहीं है, जबकि विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इससे पहले जब गोपालगंज में मौतें हुई थी तो उस समय सीधे तौर पर जो भी जिन परिवारों ने अपनों को खोया था उनको शराब कानून के तहत जो है वो उनको मुआवजा दिया गया था। हालांकि इन सबके बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि इस मौत का जो जिम्मेदार है, जो सरकार जो है इस मौत के निश्चित तौर पर जिम्मेदार है और इस पूरे मामले पर विपक्ष को अब कहीं ना कहीं से सरकार को सामने आना चाहिए और विपक्ष इस लड़ाई को तब तक जारी रखेगा जब तक कि पीड़ित परिजनों को मुआवजा नहीं मिल जाए, पीड़ित परिजनों को इंसाफ नहीं मिल जाए। लेकिन सबके बीच नीतीश कुमार लगातार अपने वादों पर अडिग हैं और उनका इसी तौर पर यह कहना है कि जिन किसी भी लोगों की शराब से मौत हुई है उनको किसी भी कीमत पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच निश्चित तौर पर विपक्ष अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना चुका है। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव समाचार प्लस।